हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर नए पार्टीशन क्रिएट करते हैं तब हमारी हार्ड डिस्क है वो बाय मिस्टेक हम पार्टीशन क्रिएट करते समय हार्ड डिस्क को पूरा फॉर्मेट कर देते हैं पार्टीशन के टाइम, तो वापस रिकवर कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल से वन बाई वन या स्टेप बाई स्टेप वो जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, जब भी अपने हार्ड डिस्क के अंदर फॉर्मेट हो जाती है तो हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये सभी के साथ होता है, तो ये फनी बात नहीं है, सबके साथ हो जाता है कि लास्ट में अपने पास कुछ सजेशन नहीं बचता, सोचते रहते हैं कि अब क्या करें। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, फ्री, आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। आप बहुत सारी ऐसे ऐप देखते हो जिसके अंदर आपको $5, $10 आपको पैसे वो गंवाने पड़ते हैं, तो मैं आपको आज फ्री के अंदर रिकवर दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा और पूरा प्रूफ दिखाऊंगा रिकवर करके। तो ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, इसके अंदर मैं कुछ डेटा कॉपी करूंगा और फिर पार्टीशन बनाते समय इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा, यानी बाय मिस्टेक पार्टीशन है वो डिलीट कर दूंगा, फिर वापस इसको रिकवर करके दिखाने वाला हूँ। जब भी आप लोगों के हमारे डाटा है वो वापस आ जाते हैं तब हम कुछ ऐसा फील करते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि हम लोग कैसे फॉर्मेट करने वाले हैं और वापस से वो रिकवर कैसे करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ड डिस्क केसिंग के अंदर ये हार्ड डिस्क लगाई हुई है जो इंटरनली है, पर उसको मैंने एक्सटर्नल में कन्वर्ट किया है। अब मैं इसके अंदर अपने लैपटॉप के अंदर वो सिंपली क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको ड्राइवर के अंदर सारा वगैरह वो डाल के दिखाऊंगा और जो भी वीडियोज़ है या कुछ डेटा डाल के दिखाऊँगा। उसके बाद डिलीट करूँगा, जो पार्टीशन है वो डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे पार्टीशन वापस उनको रिकवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो मेरे यहाँ जो ड्राइवर बने हुए हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ डला हुआ है। ये देखिए, ये फोल्डर है इसमें और इसमें ये फोल्डर है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, जहाँ पार्टीशन क्रिएट करते हैं मैनेजर में जाऊँगा, यहाँ पर मैं डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे देखिए वो वॉल्यूम आ रही है। तो मैं सिंपली इन पार्ट को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ वॉल्यूम को। ऐसे ही हम लोग जब विंडो चेंज करते हैं उस टाइम ड्राइवर वो डिलीट हो जाते हैं हमसे, सेम पोजीशन है, या तो ऐसे डिलीट कर देते हैं हम लोग, या जब भी हम लोग विंडो चेंज करते हैं उस समय डिलीट कर देते हैं। तो दोनों कंडीशन सेम ही है, या तो ऐसे डिलीट करो या विंडो इंस्टॉल करते टाइम गलती से पार्टीशन डिलीट हो जाते हैं तब डेटा को रिकवर है वो कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ माय कंप्यूटर ओपन करके, तो कोई पार्टीशन है वो उसके अंदर नहीं चल रहा है। तो अब आपको करना क्या है वो देखिए वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये सिंपली डाउनलोड करना है। तो डाटा रिकवरी नाम से ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मेरे गूगल ड्राइव से अपलोड किया हुआ है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, जो नाम आपको दिया गया है सिंपली सर्च करके भी वो डाउनलोड कर सकते हो। ये वर्जन 5.01 है, तो ये सेम वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, तो यहाँ पे क्लिक पे यस कर देना है। जब आप विंडो के अंदर पार्टीशन डिलीट करो तो भी यही प्रोसेस है, और जब आप अपने ऐसे मैंने अभी USB के थ्रू डाल के पार्टीशन डिलीट किया है वैसे भी सेम ही प्रोसेस है। बाय मिस्टेक कभी ऐसा डिलीट हो जाता है और आपका कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट रहता है उस समय आप लोग कैसे रिकवर करोगे। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। आप सिंपली इस ऐप की हेल्प से इजी तरीके से, या इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इजी तरीके से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो अब सिंपली करना क्या, आपको यहाँ पे पार्टीशन रिकवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तब तो आपके सामने यहाँ पार्टीशन आ जाता है। तो ये वो हार्ड डिस्क है जो मैंने पार्टीशन रिकवर करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो कुछ टाइम लेगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम भी ले सकता है। तो यहाँ पे 7 मिनट का टाइम बता रहा है, तो चलिए वेट करते हैं 7 मिनट तक, उसके बाद जो भी होता है उसके लिए हम लोग देखेंगे।
जैसे ये टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आपको, जैसे मान लो कि एक ड्राइवर को रिकवर करना है तो सिंपली एक पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है, दो पर क्लिक करना है तो दूसरे पे वो नेक्स्ट करना है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, दोनों को फुल रिकवर करना है, टोटल रिकवर करना है, जितना भी है सारा का सारा है वो रिकवर करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, फुल रिकवर पार्टीशन, और यहाँ पर क्या कर दूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। तो ये चल रहा है और पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। तो टोटल कितना टाइम लेगा वो भी यहाँ पे बता देगा कि इतने टाइम में वो रिकवर हो जाएगा। तो पूरा रिकवर होगा, जितना मैंने, जितना भी आज तक जो भी डेटा वो डिलीट हुए हैं वो सारे के सारे वो इसके अंदर रिकवर हो जाएंगे। तो टोटली ये अब यहाँ पे टाइम आ जाएगा कि कितनी देर में रिकवर करने वाला है। चलिए देखते हैं कितनी देर में रिकवर का ऑप्शन आता है। यहाँ यहाँ टोटल टाइम वो आ जाएगा 8 घंटे समथिंग टाइम लेगा। तो चलिए वेट करते हैं और थोड़ा बहुत रिकवर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद चेक कर लेना कि रिकवर हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए वेट करते हैं। तो सिंपली आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों पार्टीशन है वो रिकवर का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट करना है। जान रहे मैंने बीच में ही स्टॉप कर दिया है क्योंकि मैंने पूरा रिकवर नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। थोड़ा सा रिकवर दिखा रहा हूँ आपको मैं, उसके बाद आप पूरा रिकवर वो कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी फाइलें हैं वो खुलेगी, उसके बाद सिंपली आपको सेलेक्ट करना है कि किस किस को रिकवर करना है। तो मैंने टोटल अभी तक 7 कुछ GB है वो रिकवर किया है। तो जितना रिकवर किया है उतना मैं सारा का सारा है वो सेव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे पाथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको पाथ देता हूँ, डेस्कटॉप पे दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ये एक न्यू फोल्डर बना दिया। अब मैं यहाँ पे डेस्क नहीं दे रहा, चलो हुआ उसको नाम दे देते हैं रिकवर। तो ये डेस्कटॉप पे रहा रिकवर नाम से फोल्डर, तो मैं यहाँ पे इसको पाथ दे देता हूँ जो मैंने रिकवर फोल्डर बनाया, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो मैंने रिकवर सेलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दिया। अब जितना भी ये 7 पॉइंट इतना जब भी डेटा है वो रिकवर हुआ है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, और आपको लाइव प्रूफ दिखा दूँगा। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कितने डेटा रिकवर हुए हैं। बाकी फुल हार्ड डिस्क है वो मैं रिकवर कर सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने फुल हार्ड डिस्क से वो रिकवर नहीं की, क्योंकि उस हार्ड डिस्क में मेरे पहले भी ऐसे डेटा है जो मैंने डिलीट किए हैं तो 500-600 GB के आसपास था, तो इसलिए मैंने पूरा रिकवर नहीं किया। पर आप पूरा रिकवर करके देख लेना, पूरा का पूरा वर्क करता है नॉन स्टॉप। तो दोस्तों देख रहे हो पूरा डेटा है वो रिकवर हो चुका है, यहाँ पे सक्सेसफुल आ गए हैं। यहाँ पे टोटल फाइल 145 है, वो 145 की 45 से रिकवर हो चुकी है। पर अब अपने वहाँ पे जाके फोल्डर पर जो डेस्कटॉप पे हम लोगों ने सेव किया था उसमें जाके देखते हैं कि वो फोल्डर कितना रिकवर हुआ है और 7 GB के अंदर क्या क्या आया है। तो दोस्तों एक बार आप ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करें, 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके सारे के सारे डेटा हैं वो रिकवर हो जाएंगे। तो एक बार ट्रस्ट करके ज़रूर चेक करें। जब भी आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, यानी पार्टीशन क्रिएट करते समय कोई भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है, तो पूरी उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको फेस किया है और मैंने रिकवर भी किया है, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर चेक करें, ये इस सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं आता, ये विंडो के कारण से आ रहा है, तो आपके पास ये नहीं आने वाला। तो अब चेक करें, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यस एडिट कर देता हूँ। अब रिकवर मैंने किया तो ये देखिए पूरा पूरा फोल्डर आपके सामने आ गया। आप देखिए यहाँ पे जो भी रिकवर हुआ है, फोटोशॉप वगैरह, ये मेरे पहले के जो सॉफ्टवेयर थे वो सारे रिकवर हो गए हैं। और
जितना भी था वो सारा का सारा रिकवर वाला ऑप्शन आ गया है जो मेरे पहले के सॉफ्टवेयर थे। तो इस तरीके से आप लोग अब रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो के अंदर इस तरीके से आप किसी भी हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करते समय यदि बाय मिस्टेक आपसे आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है या पार्टीशन डिलीट हो जाते हैं तो इस तरीके से इजी तरीके से आप वो रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड और भी वीडियो आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी आपको नया वीडियो अपडेट हो तो आपके पास तुरंत वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।